हेलो गाइस, एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। देखो गाइस, काप में काफ़ी सारे बंदे ये बोले मेरे को कि भाई तुम्हारा ये जो गोल्ड है, ये गोल्ड को कैसे इंक्रीज करें हम अपनी आईडी में, हमारे पास तो इतना गोल्ड नहीं है। तो यार इस वीडियो के अंदर यहाँ पे मैं दो तीन तरीके ऐसे बताऊँगा जहाँ से तुम गोल्ड ले भी चुके होगे, बट एक तरीका तो ऐसा बताऊँगा जिसमें आपका यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कारीगर होगा, फिर जिससे आप गोल्ड यहाँ पे ईजिली ले पाओगे फ्री फायर में। ठीक है, तो गाइस जानने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके भाई को सपोर्ट दिखाइए, बेल नोटिफिकेशन गोल पे सेट कर लेना, इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे गोल्ड बताओ तुम कमेंट में हाल फिलहाल में तुम्हारा कितना है। सबसे पहले देखो बेसिक से स्टार्ट करते हो, जो भी गिल्ड होता है जितना भी उसका लेवल तो उस हिसाब से हमको गोल्ड मिलता है। फ्री फायर यहाँ पे गोल्ड देता है एक्टिविटी हमको पूरा करने के बाद। ठीक है, यहाँ पे ये लेफ्ट साइड में एक आइकन देखने को मिल जाता है, ये जो बॉक्स होते हैं इनमें हमको गोल्ड वगैरह देखने को मिल जाता है यहाँ पे हर एक बॉक्स में। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे भी आपको बॉक्स देखने को मिल जाता है, इसके नीचे भी बॉक्स देखने को मिलता है, ये बॉक्स बहुत सारे मिलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि गाइस यहाँ पे कोई भी मेंबरशिप करता, कोई हीरोइक पे जाता है, गिल्ड में इतने सारे बंदे होते हैं। अब कोई नॉर्मल गिल्ड होता है तो उसमें तो यहाँ पे 20 बंदे होंगे, बट यहाँ पे 55 है, तो यहाँ पे ज्यादा कलेक्ट होएगा जितनी ज्यादा लेवल होएगा गिल्ड का। ठीक है, एक यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे तुम यहाँ पे रैंक पुश करते हो तो BR पुश करो या CS पुश करो, पुश करने पर डेफिनेटली यहाँ पे फ्री फायर गोल्ड देता है, रैंक टोकन भी देता है, बट हमारे को यहाँ पे जैसे कि Diamond 4 यहाँ पे गोल्ड मिला, यहाँ पे फिर मिलेगा प्लेटिनम पे सीधा। ठीक है, फिर Gold 4 ऐसे करके हमको गोल्ड मिलता है। बाकी ऊपर तो यहाँ पे एक्सट्रीम लेवल के आपको रिवार्ड देखने को मिलते हैं। ऐसे ही गाइस यहाँ पे आपको BR के अंदर भी मिलता है और CS के अंदर, दोनों के अंदर मिलता है। गोल्ड रॉयल वाउचर तो नहीं बोलूँगा मैं यहाँ पे, आप एक्सचेंज के लिए ये कलेक्ट करते फिरो, मैं आपको गोल्ड ही बताऊँगा। ठीक है, कि गोल्ड कहाँ कहाँ से मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ पे तुमको गोल्ड कैसे मिलेगा, कोई भी आप गेम खेलते हो तो आपको गोल्ड वगैरह मिलेगा। ठीक है, BR या CS खेलोगे तो तुमको गोल्ड मिलेगा, बट वो गोल्ड ज़्यादा मिले उसके लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे रैंक टोकन हो गया आपके पास लेफ्ट साइड में, मैंने तो सारे एक्सचेंज कर लिए थे आपको पता होगा। यहाँ पे ये जो गोल्ड वाला एक आइकन देखने को मिल जाता है 50% गोल्ड कार्ड, ये कार्ड को यूज़ यहाँ पे आपका वॉलेट में अगर नहीं शो कर रहा, वॉलेट में यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे थोड़ा सा मैं नीचे करता हूँ कार्ड का, यहाँ पे सेकंड नंबर पे या थर्ड पे, हाँ ये रहा, तो ये 190 डेज़ के लिए है, ये काम करता रहेगा। ठीक है, ये डेज़ जब तक है इसका काम क्या है गाइस, फॉर एग्जांपल के लिए मेरे को यहाँ पे 1000 गोल्ड मिला। ठीक है, यहाँ पे इवेंट आके रखा है एक अपना अर्न गोल्ड वाला, यहाँ पे 60 बंदों को मारूंगा तो 500 गोल्ड मिलेगा, तो इसका यहाँ पे अगर मेरे को कार्ड लगा हुआ है तो ये 500 ना मिलकर 750 मिलेगा मेरे को। ठीक है, 500 ना मिलकर 750, इसका 50% और ऐड हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे ये मेरे को मिला था तो इसका यहाँ पे 50% और ऐड हो गया, तो इससे भी बेनिफिट तो होएगा, हमको गोल्ड मिलेगा। और जो भी हम गेम खेल के आएंगे उसमें हमको 50 गोल्ड मिलता है, 100 गोल्ड मिलता है गेम खेलने पे, तो वो 100 गोल्ड ना मिलके 150 मिलेगा, अगर 50 मिल रहा है तो वो 75 मिलेगा, समझ गए ना। तो ऐसे कुछ अमाउंट 50% अमाउंट मिलेगा। इसके अलावा सबसे एक्सट्रीम लेवल का यहाँ पे, जो कि यहाँ पे आपके हिडन ट्रिक भी रहती है करेक्टर के अंदर, यहाँ पे तुमको एक ऐसा करेक्टर जो कि यहाँ पे पैसिव है, ऑब्वियसली बात है एक्टिव तो अपना आलोक है। ठीक है, उसके अलावा जितने भी पैसिव करेक्टर हैं कमेंट में सबके नाम बताना तुम। ठीक है, जैसे आलोक है, इसके साइड में इलाइट है, इसके अलावा एक और करेक्टर बताऊंगा, और अगर तुमको पता हो तो कमेंट में बता देना मेरे को। ठीक है, कौन से करेक्टर जो कि इलाइट है या अवेकन वाले हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं जहाँ तक, भाई दिखने ही बंद हो गया क्या, तो यहाँ पे थोड़ा ऊपर चलता हूँ मैं फिर से, भाई ऐसे स्क्रोल हो रहे हैं ना, इसको थोड़ा स्लाइड कर लेते हैं भाई। तो ये अलवारो है, अलवारो का यहाँ पे साइड में है अवेकनिंग का, ये तो मैंने पूरा कर रखा अवेकन, बट किसी किसी ने यहाँ पे पूरा नहीं कर रखा, वही ढूंढना है तुमको। अभी यहाँ पे मैंने तुमको आलोक का बताया, आलोक के अंदर यहाँ पे मैंने पूरा नहीं कर रखा इसको, तो पूरा नहीं करना, अवेकनिंग पे टैप करना है, और यहाँ पे ऐसा करेक्टर जो तुमने अवेकन नहीं किया है, तो यहाँ पे इसके मिशन हो गए जैसे टीम विद फ्रेंड एंड कम्प्लीट वन मैच, अपने दोस्तों के साथ में खेलो एक मैच पूरे करके आओ, 100 गोल्ड मिलेगा, और यहाँ पे तुम EXP कार्ड ले रहे हो तो 150 गोल्ड मिल जाएगा, ऐसे ही यहाँ से मिल जाएगा 200 गोल्ड, और यहाँ पे EXP के साथ में कितना मिलेगा 300, बल्ले बल्ले मज़े आ गया ना। तो ऐसे करके गोल्ड डेली का 1000 2000 ऐसे इधर उधर से तुम कलेक्ट कर सकते हो। ऑल यहाँ पे मोड के अंदर तुमको 3 ग्रेनेड फेंकने हैं,
यहाँ पे इसको रिफ्रेश मत करना, ये गोल्ड कटेगा, ठीक है? तो ये मिशन कंप्लीट हो जाते हैं तो और मिशन आएंगे उनको, जैसे कि आपकी हेल्थ कम हो 100 से नीचे, या फिर बोलेंगे MP5 से या SMG गन से मारो। तो इस तरीके से तुम्हारे ये मिशंस होते हैं, ओके? ये मिशंस को कंप्लीट करते रहो और गोल्ड कलेक्ट करते रहो, ठीक है, यहाँ पे अवेकनिंग पे। बट इनको अपग्रेड मत करना, अपग्रेड करो तो गोल्ड खत्म। ये एक तरीका है। बाकी यहाँ पे एक और चीज़ है जो कि तुम्हारे यहाँ पे पूरा, यहाँ पे जितने भी लेफ्ट साइड में आपको, लेफ्ट बोलना मैं, राइट साइड में आपको पैसिव देखने को मिले ना, यहाँ पे एक्टिव स्किल अगर लिखा है तो उसको सीधा चेंज करके मेन करेक्टर को सिलेक्ट करना है, ठीक है, आलोक को। अगर तुमने आलोक अवेकनिंग कर रखा है तो भाई तुम यहाँ पे मेन करेक्टर, यहाँ पे जो यहाँ पे देखो, फॉर एग्जाम्पल तुमने थर्ड पे सिलेक्ट कर रखा है एक्टिव स्किल, ठीक है, तो थर्ड पे से हटा देना उसको यहाँ पे ऐसे करके, ओके? और फिर फर्स्ट पे यहाँ पे अवेकनिंग वाला सिलेक्ट करना, या फिर आप यहाँ पे एक्टिव वाला सिलेक्ट करना। मेन करेक्टर होना चाहिए जो कि तुमको अवेकन वाला सिलेक्ट करना है, ठीक है, तभी वो मिशन काउंट होते हैं, समझ गए? मेन करेक्टर लेके तुम यहाँ पे अवेकन वाला मिशन करोगे तो ही ये काउंट होएगा। आलोक के अलावा भी बहुत सारे करेक्टर है, कमेंट में जल्दी से कमेंट कर दो। तो जो तुमने यहाँ पे कंप्लीट नहीं कर रखा, अवेकन नहीं कर रखा, उससे ये मिशंस को कंप्लीट करके भी गोल्ड ले सकते हो। आई होप आपकी ये जो इतनी सारी डिटेल दिया हूँ मैं, काम की लगी होगी आपको, काम की लगी हो तो यार वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू आ रहे यार सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेना, और कमेंट तो तुमने कर ही दिया होगा। मिलते गए नेक्स्ट वीडियो में, सी यू, लव यू गाइस।